सीए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग जैसा लखनऊ में भी प्रदर्शन। महिलाएं बच्चे रात भर सड़कों पर बैठे रहे, जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक डटे रहेंगे। घंटाघर में भारी संख्या में पुलिस वाले पहुंचे, प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश लेकिन मिली नाकामी। दिल्ली के शाहीन बाग में जारी है प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से अपील की, आम लोगों को हो रही है परेशानी, सड़क खाली करें। वडोदरा में 70,000 लोगों ने नरेंद्र मोदी को लिखे पोस्टकार्ड, सीए का किया समर्थन। मुंबई में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने प्रदर्शन किया, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले भी शामिल हुई। खरगोन में भी मुस्लिम समाज ने निकाला जुलूस, पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी। बस्ती में भी मुस्लिमों ने निकाली तिरंगा यात्रा, भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती। भरूच में भी सड़कों पर निकाला गया मुस्लिम समाज के द्वारा मार्च, नागरिकता बिल के खिलाफ जताया रोष। नागरिकता कानून के विरोध के बीच राजस्थान सरकार ने पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को 50% रियायत पर जमीन देने की शुरुआत की। नागरिकता कानून के समर्थन को लेकर आज अमित शाह कर्नाटक दौरा, हुबली में रैली को करेंगे संबोधित। आज से केंद्रीय मंत्रियों का जम्मू कश्मीर का दौरा, अलग अलग रूप में राज्य में जाकर मंत्री बताएंगे अनुच्छेद 370 हटाने के फायदे। आज पहले दिन अर्जुन राम मेघवाल और अश्विनी चौबे सांबा में रहेंगे मौजूद, जितेंद्र सिंह जम्मू में लोगों से करेंगे मुलाकात। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने दिल्ली में रहने की परमिशन मांगी, 30,000 कोर्ट में दी अर्जी, सुनवाई आज। शरद पवार ने संजय राउत को नसीहत दी, कहा इंदिरा गांधी पर दिए विवादित जैसे बयानों की बातों से बचें। 26 जनवरी से मुंबई में पूरे 24 घंटे खुले रहेंगे मॉल, थिएटर, होटल। पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने नाइट लाइफ का ऐलान किया। दिल्ली में बीजेपी ने जारी की 70 में से 57 उम्मीदवारों की लिस्ट, पहली सूची में 4 महिलाओं को टिकट। बीजेपी ने कांग्रेस से आए 3 नेताओं को थमाया टिकट, संजय सिंह, सुरेंद्र सिंह बिस्ट और एसी वर्षा को मैदान में उतारा। दिल्ली में कांग्रेस ने जारी किया 2 मिनट का वीडियो कैंपेन, शीला सरकार के वक्त राजधानी के विकास का बखान किया गया। निर्भया के गुनहगारों की सजाए मौत के लिए नई तारीख तय हुई, 1 फरवरी को सुबह 6 बजे होगी फांसी। निर्भया की मां को वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह की अपील, सोनिया गांधी का अनुसरण करें, कहा हम आपके साथ हैं लेकिन फांसी की सजा के खिलाफ हैं। कानपुर में बेटियों से छेड़खानी के खिलाफ केस दर्ज कराने पर हैवानों ने महिला को मार डाला, 9 जनवरी को किया था हमला, शुक्रवार को गई जान। 5 लोगों पर नाबालिग लड़कियों से छेड़खानी का आरोप, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार, पीड़ितों की सुरक्षा बढ़ाई गई। लखनऊ में घने कोहरे की वजह से ट्रक कंटेनर से टकराया, कई गाड़ियों को रौंदा, कई लोग जख्मी हुए। बलरामपुर में कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ टैंकर फटा, बाल बाल बचे कर्मचारी। इंदौर में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई, विस्फोटक लगाकर गिराई गई इमारत। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौरव चंदेल हत्या केस में कार्जैकिंग करने वाले गिरोह पर गहराया शक, सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ इसी थ्योरी पर कर रही है जांच। ग्रेटर नोएडा में टोल नाके पर एक ट्रक चालक को दूसरे ट्रक वाले ने कुचला, मौके पर ही मौत हुई, आरोपी ट्रक चालक फरार। पाकिस्तान में फिर हिंदुओं पर जुल्म की सच्चाई सामने आई, 2 दिनों में 3 लड़कियों को किया गया अगवा, भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के अफसरों को किया तलब। निलंबित डीएसपी देवेंद्र सिंह के खिलाफ एनआईए ने दर्ज किए केस, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक रखने और यूएपीए के तहत मामला। देवेंद्र सिंह को दिल्ली लाकर हो सकती है पूछताछ, सोमवार को कश्मीर जाएगी एनआईए की टीम। कानपुर में बारिश के बाद इमारत की दीवार ढही, 1 बच्चे की मौत, 2 अन्य जख्मी। नालंदा में मकर संक्रांति मेला के दौरान एक युवक पर टूटी भीड़, महिला से छेड़खानी का था आरोप। हापुड़ में मामूली सी बात पर दो पक्षों में पथराव, कई लोग जख्मी हुए। भारत पाकिस्तान सीमा पर गुरुदासपुर में ड्रग्स वाली साजिश का खुलासा, 22 पैकेट हेरोइन के साथ हथियार भी जब्त किए गए। यमुनानगर में घने कोहरे की वजह से हादसा, ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला, 1 की मौत हुई, फिर ट्रक भी पलटा। लाहौल स्पीति में दिखी हैरतअंगेज तस्वीर, मरीज को 7 किलोमीटर तक कंधे पर ले जाकर पहुंचाया गया अस्पताल। कुल्लू में भी सफेद चादर से ढका है पूरा इलाका, बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। शिमला के टिकर इलाके में भी सफेद संकट, तापमान में भारी गिरावट। शिमला के खारा पत्थर इलाके में भी जबरदस्त बर्फबारी, बर्फ में फंसी हुई नजर आई गाड़ियां। औली में 2 दिनों से भीषण बर्फबारी, 2 फीट तक जमी है बर्फ।